हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइमिंग वर्ड्स के बारे में। KG 2 में इसे सिखाया जाता है। राइमिंग वर्ड्स का टॉपिक बहुत ही सिंपल है, बच्चों को एक्सप्लेन करना भी बहुत ही सिंपल है। एक बार एक्सप्लेन करने से बच्चे इसे आराम से समझ लेंगे, लेकिन इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम बच्चे को? राइमिंग वर्ड्स क्या होता है? राइमिंग वर्ड्स उसे कहते हैं जिसके भी एंड साउंड सेम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है सारे हैट, फैट, सेट, रेट, तो ये सारे वर्ड्स के एंड साउंड सेम है, इसीलिए इसे राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। यहाँ पे दूसरा के एग्जांपल हम देखते हैं, किट, पिट, फिट, हिट, तो ये सारे वर्ड्स के एंड साउंड सेम है, इसीलिए ये राइमिंग वर्ड है। इस तरह से आप बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर बच्चा साउंड नहीं समझता है, साउंड वैसे बच्चे आराम से समझ लेंगे, लेकिन अगर बच्चे को साउंड में डिफिकल्टी हो रही है तो आप एक दूसरा तरीका अपना सकते हो बच्चे को राइमिंग वर्ड एक्सप्लेन करने का। तो वो है कि जिस भी स्पेलिंग में ये लास्ट के दो अल्फाबेट सेम होते हैं वो होते हैं राइमिंग वर्ड। जैसे कि यहाँ पे है 80 80 80 80, तो ये सारे राइमिंग वर्ड है। यहाँ पे IT, 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 इसीलिए इनका साउंड सेम है, इसीलिए ये राइमिंग वर्ड है। उसी तरह से यहाँ पे है कॉट, हॉट, डॉट, पॉट, OT, ये लास्ट की जो स्पेलिंग होते हैं राइमिंग वर्ड में वो सेम होते हैं। अभी इसको हम बच्चे को प्रैक्टिस करवाने के लिए मैंने यहाँ पे दो तरह की वर्कशीट बनाई है। यहाँ पे पहली वर्कशीट हमारी है, इसमें मैंने लिखा है सर्कल द राइमिंग वर्ड। तो यहाँ पे जो भी राइमिंग वर्ड है उसे ढूंढ के हमें सर्कल करना है। तो यहाँ पे है लिप, डिप, हिप, बर्ड। तो बच्चे अगर इस तरह से रीडिंग करना सीख चुके हैं तो वो आराम से समझ लेंगे कि ये तीन जो स्पेलिंग है उनका साउंड सेम है, और ये जो है ये यहाँ पे लास्ट में UD है, इसीलिए इसका साउंड सेम नहीं है इन तीनों के जैसा। तो हम इन तीनों को सर्कल करेंगे, लिप, डिप, हिप। तो ये है राइमिंग वर्ड। यहाँ पे दूसरा है सिट, लेग, बेड, पैग। यहाँ पे है ईजी, यहाँ पे है ईजी, ये दोनों में ईजी नहीं है, इसीलिए ये दोनों राइमिंग वर्ड नहीं है और ये है हमारे राइमिंग वर्ड। फैन, मैन, जिप, वैन, तो इन तीनों का साउंड सेम आया, फैन, मैन, वैन। जिप का साउंड अलग है, इसीलिए ये राइमिंग वर्ड नहीं है और हम इन तीनों को सर्कल करेंगे। देन है बेड, जैम, पैड, रेड, पैड, रेड और बेड का साउंड सेम है, इसीलिए ये है राइमिंग वर्ड, ED, ED, ED। किट, पिट, फिट, डैन, तो यहाँ पे जो है EN, यहाँ पे और यहाँ पे नहीं है, इसीलिए यहाँ पे है IT, 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 तो ये तीन हुए हमारे राइमिंग वर्ड। तो ये हो गया हमारा पहला वर्कशीट। दूसरी वर्कशीट में मैंने दिया है बच्चे को मैच्ड राइमिंग वर्ड। तो यहाँ पे राइमिंग वर्ड बच्चे को ढूंढ के उसको मैच करना है। तो यहाँ पे है फॉक्स, यहाँ पे हम ढूंढेंगे उसका राइमिंग वर्ड क्या है, यहाँ पे OX है, तो यहाँ पे लास्ट में हमें OX, OX, OX ढूंढना है। तो ये मिल गया हमें फॉक्स का राइमिंग वर्ड, बॉक्स, OX, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इसलिए हम यहाँ पे मैच कर देंगे। टैग, यहाँ पे लास्ट में है AG, तो AG वाला वर्ड हमें यहाँ से ढूंढना है, तो यहाँ पे हमें मिल गया टैग, बैग, तो ये दोनों हो गए राइमिंग वर्ड। बैट, बैट में है AT, तो AT वाला राइमिंग वर्ड यहाँ पे हमें मिलेगा यहाँ पे, तो बैट और मैट को हम मैच करेंगे। और CUP, कप, कप में है UP, UP हमें यहाँ से ढूंढना है, तो वो मिल गया हमें पप में, कप, पप, ये हो गए राइमिंग वर्ड। हट, हट में है UT, UP नहीं है, UT, तो हमें UT वाला ही वर्ड ढूंढना है, UP से साउंड मैच नहीं करेगी, हट का पप के साथ मैच नहीं करेगा, हट का मैच करेगा कट के साथ, हट, कट। फिग, IG,
यहाँ पे मिल गया हमें आईजी, तो फिक्का मिल गया बिग। तो इस तरह से आप बच्चे को राइमिंग वर्ड एक्सप्लेन कर सकते हो। इस तरह के और वर्कशीट आप करवा सकते हो। हर बार आप सिर्फ सर्कल द राइमिंग वर्ड और मैच द राइमिंग वर्ड ना करवाते हुए और भी बहुत सारे वर्कशीट बच्चों के साथ कर सकते हो, ताकि बच्चे अंडरस्टैंड कर पाए कि राइमिंग वर्ड एक्चुअली होता क्या है। फिर से मैं एक बार रिवाइज करूंगी कि जिसका भी एंड साउंड सेम होता है वो होता है राइमिंग वर्ड, या फिर लास्ट की दो स्पेलिंग जिस भी वर्ड में सेम होते हैं वो होते हैं राइमिंग वर्ड। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बच्चे आराम से समझ लेंगे। राइमिंग वर्ड आपको बार बार बच्चे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज ऑल अबाउट राइमिंग वर्ड। मैं आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करके आप उनकी भी मदद कर सकते हो। बच्चों से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।